नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। माहे रमजान के अंतिम दिन जुम्मे को अलविदा नमाज अदा किया, जो पूरे प्रखंड में शांति और भाईचारा के साथ अलविदा नमाज मस्जिदों में किया गया। प्रखंड क्षेत्र स्थित सभी मस्जिदों में शांति और भाईचारा के साथ अल्लाह ताला के माहे रमजान के अंतिम शुक्रवार को अलविदा नमाज किया गया। आखिरी जुम्मे को अलविदा की नमाज पूरे हर्षोल्लास के साथ अदा की गई। अलविदा की नमाज को लेकर विशेष तैयारियां की गई थी। मस्जिद के इमाम व मौलाना द्वारा नमाज पढ़ाया गया। समाज सेवी मोहम्मद शिवली और मुमताज अहमद ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ईदगाह मस्जिद में अलविदा की नमाज को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा करने एवं देश में आपसी भाईचारे व शांति की दुआ करने की अपील की गई। वहीं मौलाना नूर आलम, जुबेर आलम समेत अन्य लोगों ने कहा कि आज अलविदा के नमाज पर आपसी भाईचारे की सलामती, प्रेम, एकता, सद्भावना ही रिश्तों की खूबसूरती है। एक विशेष नमाज में एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द, स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। सारे दिन आते हैं जिसको धर्म के हिसाब से माना जाए कि अच्छे दिन, इसमें लास्ट आखिरी जुम्मा जो होता है उसको ये महीने के आखिरी दिन सारे दिनों को बदलकर माना जाता है। जो लोग मानते हैं अपने गुनाह को माफी मांगे या अपने किसी कर्मों का माफी मांगे, उसके लिए लोग ज़्यादा लोग और आपका इस्लाम भाव, आइए आपका पवित्र महीना माहे रमजान, यह क्या संदेश देता है? ये संदेश देता है त्याग का, त्याग का, अपने स्वार्थ का, अपने भाईचारा को बढ़ाने का। और दुनिया में आप जो है कैसे अपने क्या कहते हैं अपने स्वार्थ को मारना, जैसे भूख है उसको मारना, प्यास है उसको मारना, लालच है उसको मारना, इस साल की जो गंदगी है सामाजिक बुराई आपके अंदर है, उस एक महीने में यही सिखाया जाता है कि इसको आप लोग समाप्त करें। इस पर विशेष नमाज जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, और आपका इस्लाम धर्म क्या पैगाम दे रहा है, इस समय क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर आप लोग रमजान का महीना जो है अपना रोज़ा रखते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। ये रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये बहुत बाबरकत महीना है। रोज़े रखने का मकसद हमारा जो ये होता है कि रोज़े के ज़रिए हम अपनी रूह की पाकिजगी करते हैं, अपने रूह को साफ करते हैं, अपने आत्मा को जिसको कह लीजिए उसको साफ़ करते हैं। दूसरा मकसद ये होता है कि इस महीने में हम सदका फितर अदा करते हैं, ज़कात देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हम जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर तबका है समाज और माशरे में, उसकी भलाई की जाए। वो परेशान है, उसके पास पैसे की कमी है, और जो भी परेशानी है उसको दूर किया जाए। और इस नमाज के ज़रिए जैसा कि हमारे जो खतीब साहब इमाम साहब हैं उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि माशरे में जो लोग इस तरह के हैं उनकी मदद की जाए। रोज़ा का मकसद असल यही है कि इसमें जो फितरा दिया जाता है, जो ज़कात दिया जाता है, इसका मकसद यही होता है कि माशरे और समाज में जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद की जाए। खजौलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।